सो हेलो गाइस, होप सो आप सभी लोग ठीक होंगे एंड मजे में होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस छोटे से सिंगल बोर्ड कंप्यूटर के मिनी पीसी, जो साइड मिनी पीसी मैंने बनाया था साइड डेस्क पे रखने के लिए। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो जाके वो जरूर देखना है, मैंने मिनी पीसी कैसे बनाया है। तो आज इस मिनी पीसी में आज हम डालेंगे काली पर्पल। ये काली पर्पल आप देख रहे होंगे, काली पर्पल आज मिनी पीसी में डालेंगे एंड कुछ थोड़े से हैकिंग भी करके देखेंगे कि ये सिंगल बोर्ड कंप्यूटर कितना कैपेबल है हैकिंग के लिए। आज में डालेंगे काली लिनक्स, काली पर्पल। काली लिनक्स का ही एक डिस्ट्रीब्यूशन है, एक नया अपडेटेड वर्जन है। तो आज डालेंगे इसमें काली पर्पल। एंड काली पर्पल कैसे डालेंगे, जल्दी से मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ से। डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, उसको अपने बूट, अपने पेन ड्राइव को बूट करना है। बूट करने के बाद अगर आपको बूट करना नहीं आता तो ये वाली वीडियो मैंने बनाई थी, ऑलरेडी बनाई हुई है। पेनटॉय करके एक एप्लीकेशन आती है, उसके थ्रू आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही पेन ड्राइव में डाल के धड़ाधड़ मतलब जितने भी आपको बूट करने हैं वो इस तरीके से कर सकते हो। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो जाके पहले ये जरूर देख लेना कि एक बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनानी है, सिंपल। तो मैं जल्दी से काली पर्पल डाउनलोड कर लेता हूँ। काली पर्पल डाउनलोड करने के बाद मैं उसको एक पेन ड्राइव में डाल के जल्दी से आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। चलो, तो इस छोटे से पेन ड्राइव में मैंने काली पर्पल लोड कर लिया है पेन ड्राइव में। तो सिंपली जस्ट आपको इसमें अटैच करना है यूएसबी पोर्ट में एंड नेक्स्ट जो है इसको पावर इन करना है। यहाँ से सिंपली पावर इन किया एंड थोड़ी देर में बूट हो जाएगा, फैन चल चुका है। चलो फिर थोड़ी देर वेट करते हैं इसके लोड होने का। तो यहाँ पे इंटेल लिखा आ गया है, इसको लोड होने देते हैं। सिंपली यहाँ पे मैंने एंटर करके काली का इंस्टॉलेशन कर दिया है। यहाँ पे इंस्टॉल ग्राफिकल इंस्टॉल करना है और ये अपना सेटअप शुरू कर देगा इंस्टॉलेशन का। तो आप देख सकते हो इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, यूनाइटेड स्टेट्स इंग्लिश अमेरिका एंड कीबोर्ड कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। कीबोर्ड कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद देखते हैं। यहाँ पे एक इशू आ गया, कल ये इंस्टॉल तो हो गया था पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम, बट हुआ क्या, गलती से मेरे से प्लग इसका निकल गया एंड जब मैंने इसको वापस ऑन किया तो ये रिकवरी मोड पे पता नहीं चला गया और ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे लोड ही नहीं कर रहा है। बिकॉज ऑफ, क्योंकि इसमें कोई भी RTS कनेक्टर नहीं है, कोई भी CMOS बैटरी नहीं है, तो इसका जो है कोई भी डेटा सेव नहीं हो रहा है। जैसे ही मैं प्लग ऑफ कर रहा हूँ तो वो सब कुछ हटा दे रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी रिकवरी मोड पे आ जा रहा है। तो एक और बार इसको जल्दी से इंस्टॉल करता हूँ मैं और फिर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाता हूँ काली पर्पल जी। तो ये मेरी लॉगिन स्क्रीन आ गई है, यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ, पासवर्ड डाल के एंटर करता हूँ। तो ये कुछ ऐसा इसका इंटरफेस है एंड टच सपोर्ट करता है साथ में। देखो ये बाय डिफॉल्ट इसमें आपको टच ड्राइवर डालने की जरूरत नहीं है, जैसे आपने विंडोज में डाला था तो वैसे कोई टच ड्राइवर आपको इसमें डालने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट आपका इसमें टच काम करेगा, एज अ टैबलेट वर्जन ये काम करेगा। तो आगे भी मेरे कुछ प्लान्स है इसमें, ये 3D प्रिंटेड मैं एक केस बना के इसको एज अ टैबलेट भी यूज करूँ। तो आगे वीडियो में बने रहना, मतलब सब्सक्राइब करके रखना चैनल को, तो आगे और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज आने वाली है। सो ये टच सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे मैं फायरफॉक्स ला के दिखाता हूँ आपको एक बार। तो ये ओवरऑल इंटरफेस है अपना, हाँ तो ये ओवरऑल इंटरफेस है अपना इसका फायरफॉक्स का। फायरफॉक्स देखो कितना स्मूथ, यूट्यूब वगैरह सब स्मूथ चल रहा है बिल्कुल, जैसे अपना रेगुलर एंड्रॉइड हो अपना विंडोज चलता है। चैनल सर्च करता हूँ एंड ये चैनल जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वीडियोज आने वाली है इस चैनल पे, तो जल्दी से चैनल जाके सब्सक्राइब कर लो। तो ये कुछ ओवरऑल इंटरफेस है, यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस दे रखी है, ये कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कुछ दिए हुए हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देखो, ये इसका एक फायदा है टच सपोर्ट करता है, तो आपको पूरा एक ऐप गैलरी यहाँ पे मिल रहा है, पूरा पूरी गैलरी आपको मिल रही है। यहाँ पे काफी सारे हैकिंग के भी टूल्स हैं, काफी वाईफाई हैकिंग के टूल्स हैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के टूल्स हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग वगैरह के सारे टूल्स इसमें आपको हैकिंग के डायरेक्ट बाय डिफॉल्ट आपको इसमें आपको एक ऐप गैलरी मिल जाती है। ये कुछ ऐसी ऐप गैलरी है, यहाँ से आप सीधा आप इसका शेल में जा सकते हो। ये शेल आ गया, तो ये अपने, हाँ मैं रूट में आ चुका हूँ,
आप देख सकते हैं यहाँ पे रूट मैटर कुछ। तो ये कुछ ओवरऑल इसका जो है इंटरफेस है, सारा टच सपोर्टेड है, यहाँ पे सिंपली जाके टच कर सकते हो। ये अपनी फाइल गैलरीज आ गई है, जो भी रिसेंट फाइल्स एंड होम डॉक्यूमेंट डाउनलोड्स एंड यहाँ पे सारी फाइल्स हैं। यहाँ से आप अपना वाईफाई एंड ब्राइटनेस वगैरह सब कुछ एडजस्ट कर सकते हो, देख सकते हो ब्राइटनेस वगैरह फुल्ली फंक्शनल है यहाँ पे। यहाँ से स्विच ऑफ कर सकते हो, पावर मैनेजमेंट, ब्लूटूथ, नाइट लाइट, सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाते हैं। तो जो काली पर्पल है, ओवरऑल ये एक एज अ टच सपोर्टेड डिवाइस की तरह ही इन्होंने बिल्ड किया है, ताकि आप इसको ऑन द गो यूज कर सके। ये कोई एक एज ए लैपटॉप या डेस्कटॉप वर्जन की तरह भी यूज कर सकते हो, बट ये मेनली एक एज अ टैबलेट की तरह यूज करने के लिए बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो U2X1 है ये, यहाँ पे मैं ये यूज कर रहा हूँ, मेरा छोटा सा मिनी कंप्यूटर मेरा इसी पे चल रहा है, एंड कितना कूल लग रहा है ये देखने में। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लेना। एक बार यहाँ पे आपको एक वाईफाई चला के दिखाता हूँ, एक बार वाईफाई की हैकिंग करके और दिखा देता हूँ मैं। चलो एक बार वाईफाई की हैकिंग करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपली वाईफाई आज इसमें यूज करूंगा, वाईफाई के थ्रू हैकिंग करके आपको दिखाऊंगा वाईफाई हैकिंग कैसे होती है इसमें। सो यस कर देता हूँ, वाईफाई इंस्टॉल कर लेता हूँ जल्दी से इसमें। यहाँ पे वाईफाई इंस्टॉल हो गया, जल्दी से इसको इंस्टॉल कर देते हैं, वाईफाई चला के आपको हैकिंग करके दिखाता हूँ कि कैसे ये वाईफाई हैकिंग वगैरह कितना कैपेबल है, कितनी जल्दी इसका हार्डवेयर इतना कैपेबल है कि कितनी जल्दी आपको ये हैक करके दे सकता है। तो जल्दी से हम देखते हैं। तो ये यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, जल्दी से मैं वाईफाई टाइप करता हूँ एंड एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे ये वाईफाई चालू हो चुका है। बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे सारे के सारे ये दिखाने लग जाएगा कहाँ का कौन कौन से नेटवर्क आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो सिंपली आपको कंट्रोल सी करके आपको अपना एक नेटवर्क सेलेक्ट करना है। तो मैं आज के लिए इसमें नेटवर्क आपको सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड्रॉइड एपी। तो मैं आज के लिए एक एंड्रॉइड एपी करके एक है वाईफाई, ये मेरा खुद का पर्सनल वाईफाई है, मैं किसी के और के उस पर वाईफाई नहीं कर रहा, और मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करता आप किसी और के वाईफाई पे आप ऐसे अटैक करो। तो मैं अपने खुद के पर्सनल उस पर ही अटैक कर रहा हूँ, किसी के आपको किसी दूसरे के उस पर अटैक नहीं करना है। सो ये मेरा पर्सनल वाईफाई है। तो यहाँ पे एज यू कैन सी इसने मेरे को पासवर्ड निकाल के दे दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो पासवर्ड नीचे लिखा हुआ है, एक पासवर्ड साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, पासवर्ड मेरे को निकाल के दे दिया है। तो आपको और भी चीजें इसमें दिखा देता हूँ क्या क्या आपको नया कुछ मिलता है। काली लिनक्स से काली पर्पल है ये। तो एक तो मेन तो आपको एक ऐप ड्रॉल पूरी की पूरी यहाँ पे मिल जाती है, बहुत लंबी चौड़ी ऐप ड्रॉल है एंड मल्टीटास्किंग इज इजी। देखो यहाँ पे आपको दो मल्टीटास्किंग के टैब्स मिलते हैं, दोनों में आप अलग अलग चीजें चला सकते हो। यहाँ पे एप्लीकेशन का एक फोल्डर मिलता है, जैसे आपको काली लिनक्स में भी एक एप्लीकेशन का फोल्डर मिलता है साइड में ऐसे ही एज इट इज, तो वैसे ही यहाँ पे भी आपको एक फोल्डर मिलता है। एंड नेक्स्ट चीज है यहाँ पे आपको ये सारे आपको होम डॉक्यूमेंट डायरेक्ट यहाँ से आप जा सकते हो, नीचे आपको फाइल्स के फोल्डर यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर एंड फायरफॉक्स टर्मिनल आपको मिल जाता है। यहाँ से आप सो मल्टीटास्किंग कर सकते हो, स्विचिंग कर सकते हो टैब्स को, यहाँ से सिंपली आप नेविगेशन बार से यहाँ पे मतलब अपने जो भी पावर मैनेजमेंट ब्लूटूथ वाईफाई ये सब यहाँ से आप इसमें मैनेज कर सकते हो एंड दैट्स इट। यहाँ पे और ज्यादा कुछ है नहीं, काफी सारे आपको एप्स मिल जाते हैं यहाँ पे, काफी सारे आपको इसमें एप्स मिल जाते हैं जो काफी यूजफुल है, ऐप ड्रॉअर है इसमें। सो काफी एक अच्छा है यूनिक काली पर्पल मुझे लगा एंड काफी अच्छा है ये टैबलेट वर्जन के हिसाब से। तो ये वीडियो आपको कैसे लगे मुझे कमेंट में जरूर बता देना एंड चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, मोटर साइकिल चलते रहेंगे, सीखते रहो सिखाते रहो।